इस वेले दी वड्डी खबर बॉर्डर ते प्रदर्शन कर रहे किसानां दे खिलाफ हुण पुलिस एक्शन मोड दे विच आ गई है। हरियाणा पुलिस दे वल्लों किसान आगुआं खिलाफ कौमी सुरक्षा एक्ट यानी NSA दे तहत कार्रवाई शुरू कर दित्ती गई है। हरियाणा पुलिस ने सूबे दी सरहद ते चल रहे प्रदर्शन दे विच सरगर्मी नाल शामिल किसान आगुआं दी संपत्ति जब्त करन दी वी चेतावनी दे दित्ती है। बकायदा अंबाला पुलिस ने इस दी जानकारी दित्ती है। एक प्रेस नोट ट्विटर पेज ते रिलीज कीता गया, जारी कीता गया, जिस च लिखिया गया कि 13 फरवरी तो दिल्ली कूच दे सद्दे दे मद्देनजर शंभू बॉर्डर ते लगाए गए बैरीगेट्स तोड़न लई किसान संगठनां वल्लों लगातार कोशिशां कीतियां जा रहियां ने। रोजाना पुलिस प्रशासन ते पथराव कीता जा रहा, हंगामा करके कानून व्यवस्था बिगाड़न दी कोशिश कीती जा रही है। इस प्रदर्शन दे विच पुलिस मुलाजम भी जख्मी होए ने। 2 पुलिस मुलाजमां दी मौत हो चुकी है जबकि कई पुलिस मुलाजम इस प्रदर्शन दे विच जख्मी होए ने। इस दे नाल ही अंबाला पुलिस ने कहा कि इस प्रदर्शन दे दौरान सरकारी ते निजी जायदाद नूं भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। अंदोलनकारियां वल्लों सरकारी ते निजी जायदाद नूं पहुंचाए गए नुकसान दा हिसाब कीता जा रहा है। प्रशासन ने इस संबंधी आम जनता नूं पहला ही दस दिता सी कि जेकर इस अंदोलन दौरान अंदोलनकारियां ने सरकारी ते निजी जायदाद नूं नुकसान पहुंचाया तां उहनां दी जायदाद दे बैंक खाते जब्त करके इस नुकसान दी भरपाई ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ अंबाला पुलिस दे वल्लों सख्त हदायत दित्ती गई, चेतावनी भी दित्ती गई है, जिस दे विच उन्होंने कहा कि NSA दे तहत कार्रवाई की जाएगी अते किसान आगुआ दी संपत्ति जब्त करन दी चेतावनी दित्ती है। वधेरी जानकारी लई साडे सहयोगी जुड़ चुके ने कृष्ण बाली, उन्हां तों वधेरी जानकारी लैंदे की कुछ जानकारी है। जी बिल्कुल, कल जो जिस तरह हरियाणा पुलिस ने ट्वीट कर प्रेस नोट जारी किया उसमें स्पष्ट रूप से, हालांकि वो पहले भी ये बात बोल चुके थे कि जो भी नुकसान होगा सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को जितना भी नुकसान होगा प्रदर्शनकारियों से ही वसूल किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी और कल एक प्रेस नोट के जरिए सभी को आगाह करके बता दिया है कि किस तरह से नुकसान होगा और किस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है इस समय यहाँ पे रहने वाले अमरजीत सिंह मोड़ी, उसके खिलाफ अभी उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने की फिलहाल तैयारी चल रही है और पुलिस ने ये प्रेस नोट के जरिए ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि NSA के तहत कार्रवाई होगी, कि NSA लगेगी हुण किसान आगुआ के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, NSA के खिलाफ NSA के मद्देनजर रखते ही ये सारी कार्रवाई की जा रही है। जितने भी किसान नेता है और जो भी बॉर्डर पे जितना भी नुकसान हुआ है और पुलिस कर्मचारियों का भी जो नुकसान हुआ है, जानी माली जो भी है, सब वही नेताओं से NSA के तहत वसूल की जाएगी। जी, तब पुलिस दी इस चेतावनी तो बाद, पुलिस दी इस कार्रवाई तो बाद हुण किसान आगुआ दा की रुख रहेगा? किसान आगुआ दे वल्लों की कुछ डर रहे ने, वह कह रहे ने कि हुण प्रदर्शन तो मोड़ा करनगे, या फिर की उन्हां दा रणनीति रहेगी इस तो अगली? किसानों की बात करें तो किसान आज वैसे काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से खनौरी बॉर्डर के ऊपर एक युवा किसान की मौत हुई थी, गोली लगने से मौत हुई थी, उसको लेके आज ये सभी काला दिवस मनाने जा रहे हैं। उसके बाद ये अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले तो दिल्ली कूच की बात की जा रही थी और अब जो ये वसूली वाली बात की जा रही है NSA के तहत, उसके खिलाफ ये किसान क्या अगला कदम उठाएंगे ये अभी देखना है, क्योंकि आज ये उसमें सभी लोग काला दिवस मनाने के तमाम जानकारी लिए शुक्रिया बाली जी। ता वड्डी खबर आ रही है कि बॉर्डर ते प्रदर्शन कर रहे किसानां दे खिलाफ हुण NSA दे तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंबाला पुलिस दे वल्लों चेतावनी दी गई है कि जिन्ना भी नुकसान इस अंदोलन दे दौरान, इस प्रदर्शन दे दौरान होया है सरकारी संपत्ति दा, निजी संपत्ति दा, किसान आगुआं दी जिहड़ी जायदाद है उन्हां नूं जब्त कीता जाएगा, भरमाई कीती जाएगी।